हे गाइस, वेलकम बैक टू दी ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। आज मैंने दोपहर की जो अपडेट आप लोगों को दी है, उस अपडेट में आप गौर से देखोगे कि सोलाना चल रहा था $20 के अराउंड, और उस वीडियो के जस्ट बाद से आप देखोगे 4 घंटे की रेड कैंडल्स बनी और सोलाना को जो 18 के अराउंड लेकर आ गई हैं। 18 तो छोड़ो, कई कई जगह पर ये 15 में चल रहा है, 15 USDT के अराउंड। तो आप बाइनेंस में चेक करना, वो 15 तक चला गया है और सोलाना। और ये जो डाउनवर्ड मूव आया है, क्यों आया ये मैंने चार्ट से बताया था, क्योंकि वॉल्यूम नहीं दिखी मुझे कुछ भी। जब भी कोई ट्रेंड चल रहा हो और वॉल्यूम उसमें सपोर्ट ना कर रही हो, मतलब अनयूजुअल बिहेवियर दिखा रही हो, तो उसका मतलब है कि जो मार्केट है वो उल्टी होने वाली है उस कॉइन की, उस क्रिप्टो की, उस स्टॉक की। वहीं साथ में मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ यार, जूम इन करके जो सब दिखाता हूँ, तो ये एरिया हमारा 18200 का जो बना हुआ था एग्जैक्टली, कैंडल वहीं से रिजेक्ट हो गया। अरे इसको छोड़ो यार, दोपहर का कैंडल जिन्होंने देखा है चार्ट, उन्हें पता होगा यहाँ पर चल रहे थे 17400 17300, वहाँ से शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी अगर ली होगी तो 16 के अराउंड हम लोग आए हैं बड़ी आराम से नीचे तक, और एग्जैक्टली हमारे वो रेड वाले डब्बे को टच किया है। इसमें भी सेम वही चीज़ थी कि वॉल्यूम नहीं सपोर्ट कर रहा था, और ये था हमारा दोपहर का चार्ट जब बिटकॉइन 17400 के अराउंड चल रहा था, और मैंने आपको ये सब मार्क करके दिखाया हुआ था यहाँ पर कि प्राइस जो है वो उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा है नीचे की ओर, ऊपर भी नहीं दिख रहा है, यहाँ पे भी नहीं दिख रहा है, तो ये चीज़ बेरिश थी। सोलाना का अगर मैं आपको एक और अपडेट दे दूँ कि जो अनस्टेक टोकन्स को लेकर बात हो रही है, वो रीस्टेक कर दिए गए थे, और अभी आपको दिखाऊं तो यहाँ पर सोलाना कंपस की वेबसाइट पर जाते हैं तो वैलिडेटर्स का डाटा है। अब इसमें ईपॉक जो प्रोग्रेस है वो होने में एक दिन 8 घंटे 46 मिनट लगने वाले हैं। तो ये क्या है, ये ईपॉक एक ऐसा टाइम होता है जब नए वैलिडेटर्स ऐड होते हैं और पुराने वैलिडेटर्स एग्जिट करते हैं अपने स्टेक वगैरह को, तो उसमें शंका जताई जा रही है कि बहुत सारे सोल अनलॉक होंगे, अनस्टेक होंगे, और ये सामने आपकी गिनती चल रही है, टाइम चल रहा है, तो इस हिसाब से आप ध्यान दे सकते हो कि इस चीज़ को आप ट्रैक कर सकते हो कि कब सोलाना में क्या आ सकता है। अगर बड़ा मूव आता है और स्टेकर्स अपने डीएक्टिवेट नहीं करते, अपने सोलाना अनस्टेक नहीं करते और कुछ और यहाँ पर बेचने के अलावा कुछ और सोल्यूशन निकालते हैं, तो भी बहुत बढ़िया बात होगी और तब सोलाना यहाँ पर होल्ड कर सकता है। सोलाना टोकन्स फॉल्टर एज सोलाना ट्रेडर्स सोलाना स्टॉक स्टेकर्स रश फॉर एग्जिट, मतलब एग्जिट के लिए भागे थे लोग। तो ये तो हमारी एक न्यूज़ है, सोलाना की अपडेट होगी। BTC का मैं आपको बता रहा हूँ कि वो नीचे आया काफ़ी ज़्यादा, यहाँ पर 16500 आ गया, लगभग $1000 हम नीचे आ गए। अगर परसेंटेज वाइज बात करें तो अब BTC में हमें बड़े बड़े मूव देखने को मिल रहे हैं। अगर हम यहाँ से देखें 17 से, तो वी केम अराउंड 7-8% हम नीचे आ गए। तो ये क्रैश जो था ये थोड़ा प्रेडिक्टेड था और इजी था। और अगर हम एक और चीज़ के बारे में बात करेंगे, क्योंकि कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, तो उन चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। कौन सा है, पहला तो एटम का चार्ट है जिसको हमें शेयर करना था। एटम 10 आया है, पहले ही बता दूँ मैं, एटम 10 आया था वापस, और 10 की जगह पर मैंने बाइंग इसकी बोली हुई थी, और 10 जिन्होंने नहीं ली उनका यहाँ पर बाइंग हुई होगी 10 वाली। और एटम मैटिक ये ऐसे कॉइन है जो बहुत स्ट्रॉन्ग रहे हैं इस मार्केट में। आपको दिखाता हूँ मैटिक के साथ क्या चल रहा है। मैटिक अभी भी 99 सेंट्स पे, मतलब देखो रिजेक्ट होके आ गया $1 पे। ये दोपहर की वीडियो में शायद मैंने किया भी था कन्वे की $1 के ऊपर जब ये चला गया था, तो वहाँ से एक बहुत बढ़िया बैंड में गया था जहाँ से ये रिजेक्ट हो सकता था। इसको दिखाने के लिए मैं मैटिक के चार्ट को खोलता हूँ यहाँ पर। कौन सा चार्ट था, लेट्स सी, ये वो चार्ट था देखो, ठीक 1.1 समथिंग चला गया, वहाँ से डायरेक्ट नीचे आया ये 97 तक। ठीक, मेरा क्या अनुमान है कि ये नीचे आ सकता है इन ब्लैक लाइंस का पीछा करने के लिए, 66 सेंट से लेकर ये 62 सेंट्स के बीच में आ सकता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। ठीक, मैटिक की अपडेट हो गई कुछ लोगों ने जिन्होंने नीचे पूछी थी। एटम की अपडेट मैंने दे दी। अब मैं बात करता हूँ SCRT की, व्हाट इज़ हैपनिंग विद SCRT। तो SCRT का हम ये वाला चार्ट खोलेंगे एंड लेट्स लुक एट दिस। तो इस चार्ट में अगर हम SCRT की बात करेंगे तो SCRT चल हमारे उस एरिया को रीटेस्ट मारने गया था अभी 77 वाले, जो मैंने आपको बोला लॉन्ग टर्म में, वेरी लॉन्ग टर्म वीकली में जो हमारा सपोर्ट था वो टूट गया। अब ये SCRT में कंसर्निंग चीज़ है। अगर शॉर्टर टाइम फ्रेम में देखो तो वही हमारा दोबारा से टेस्ट होने आया था, पर वीकली में हमारे लिए बहुत कंसर्निंग चीज़ हो जाएगी। ठीक, क्यों, क्योंकि आपको पता है मैंने यहाँ पर डेल्टा बना के रखे हैं इस चार्ट में, और नीचे की ओर यहाँ पर पहले तो एक सपोर्ट अच्छा है इसी एरिया पर 62 सेंट्स के अराउंड, और यहाँ नीचे काफ़ी अच्छे सपोर्ट्स हैं। बट एक और चीज़ है,
SCRT रून दोनों ही रिस्की बेट हैं, लेकिन मेरा ये है कि SCRT प्रोजेक्ट में अभी कोई ख़राबी नहीं आई है, दैट्स वाई आई एम होल्डिंग माई बैग, मतलब मैं SCRT का बैग अपना नहीं बेच रहा हूँ, अभी प्रोजेक्ट में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है, इट इज़ जस्ट डंपिंग बिकॉज ऑफ यू नो बियर मार्केट। और अगर इसको होल्ड करना है तो आप इसकी एवरेजिंग कर सकते हो, यहाँ से 10x तो यार नॉर्मली जाएगा, हर कॉइन गिर रहा है, हर कॉइन यहाँ पर शिट कॉइन बन रहा है, तो सबके सब ऊपर जाएंगे, ठीक है, लेकिन टाइम लेंगे। लेकिन इसके लिए आपको अभी बाइंग करनी है, इसको एवरेज करना है, इसको अगर आप यहाँ पे लेते हो तो आपकी एवरेज बहुत नीचे हो जाएगी, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। तो मैंने SCRT की बात कर ली, रून की बात कर लेते हैं, रून के साथ क्या हो रहा है, एक बार मैं रून का चार्ट डाल देता हूँ, रून का चार्ट देखें अगर हम, तो रून का चार्ट कहाँ पर है, गिरा के 4 आवर्स में, तो रून ने भी पंप मारा था ऊपर की ओर, और अभी ये गया था कि नहीं $1 से नीचे, तो $1 से नीचे तो नहीं गया, $1 इसका साइकोलॉजिकल सपोर्ट साबित हुआ है, पर अगर ये टूटता है तो ख़राब होगा हमारे लिए। पर रून को अगर मैं बताऊं ओवरऑल लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छी परफेक्ट बाइंग आपको मिल रही है, इससे नीचे मुझे नहीं लगता रून आपको मिलने वाला है, रून अगर ज़्यादा नीचे आता है तब भी कोई बात नहीं, ये एरिया बहुत परफेक्ट है, $1 के एकदम करीब आ चुके हैं, जो मुझे भी पॉसिबल नहीं लग रहा था कि इतना आएगा रून का भी, तो अगर आ गया है प्रोजेक्ट में कोई ख़राबी नहीं है, सिर्फ बेयर मार्केट की वजह से आया है, तो आप इसको उठा सकते हो बेशक और बेझिझक। तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, मैंने सारे कॉइन्स कवर कर लिए आई होप, एंड AVAX की बात कर लेते हैं, AVAX क्या कर रहा है, लेट्स सी, ये हमारा AVAX का चार्ट है, AVAX पंप हो गया, हमारे उस रेजिस्टेंस में चला गया 15, 14 वाले जो मैंने आपको पहले भी बताया, लेकिन AVAX गिरा कितना, गिरा अराउंड यहाँ पर हमारा 12 के अराउंड, मैंने आपको जो एंट्री बताई है जो लॉन्ग टर्म में होनी चाहिए वो 14 से 16 के बीच में होनी चाहिए, ठीक, इतना आप मेंटेन कर लो, अगर आप अपनी बाइंग को मेंटेन कर लेते हो और इस प्रोजेक्ट में कोई ख़राबी नहीं आती तो हम यहाँ पर अच्छा खासा रिटर्न लेकर बैठेंगे। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।